सहारनपुर थाना गागल हेड़ी पुलिस ने मात्र 48 घंटे में चोरी का खुलासा कर दिया। दो अभियुक्त दो बाल अपचारी गणों को गिरफ्तार किया, जिसमें 8,14,735 रुपए बरामद। अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान क्षेत्राधिकारी सदर कुशल पर्यवेक्षण निरीक्षक गगल हेड़ी ने मुकदमा पंजीकृत 81/23 धारा 380 में सफल अनावरण करते हुए गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पड़ोस के मकान में ताला लगा देख मकान पर मिलने को कहा, वहां पर शादी समारोह का एक प्रोग्राम चल रहा था। चोरों ने चोरी करने की योजना बनाई, मकान के छत से होकर पड़ोसी के मकान की छत पर पहुंचे। मकान में सरिये का जाल पड़ा हुआ था, सरिया मोड़ कर घर के अंदर घुस गए, जहां सीढ़ियों का दरवाजा लगा हुआ था उसको खोल कर बुलाया और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर लिए। तीनों मकान की छतों से होते हुए घर से बाहर निकल गए, वहीं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए और उनकी पहचान हो गई। आवश्यक कार्यवाही हेतु न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा गया। जी हाँ, 11 और 12 तारीख की रात को 112 को सूचना मिली थी कि एक घर में चोरी का प्रयास हुआ है या चोरी हुई है। उसी में उस सूचना पर तुरंत 112 की गाड़ी वहाँ पे पहुँचती है। उसके बाद पता चलता है, जब उसके मालिक को बुलाया जाता है कि घर में चोरी हुई थी दिनारपुर मोहल्ला है, थाना गागल गेड़ी में, वहाँ पर। तो मालिक ने बताया कि कुछ उसके 9 लाख रुपये कैश और कुछ ज्वेलरी उसके घर से चोरी कर ली गई है। तुरंत टीम इसमें लगा दी गई, SOG की टीम भी लगी हुई थी, अपनी थाना गागलहेड़ी की टीम भी लगी हुई थी। विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे के अंदर ही अंदर इस केस का सफल अनावरण कर लिया गया है। इसमें जो पूरे गैंग में जिन्होंने चोरी की थी, उसमें दो बाल अपचारी भी थे। इसमें जो मास्टरमाइंड है वो उपेंद्र, जो गाँव ग्राहू का रहने वाला है, और एक लड़का है संजू। संजू की छत और जिसके यहाँ चोरी हुई उसकी छत मिलती थी, उसी के घर की छत से जो वादी है उसकी छत में आया गया था, वहाँ से जाल तोड़ा गया था। जाल तोड़ के नीचे आया गया, उसके फिर दरवाजे खोले गए, CCTV ढका गया, अलमारी से इतना सामान कैश निकाला गया। तो इसमें टोटल जो रिकवरी हुई है हमारी, कुछ 8,14,000 रुपये कैश हुई है। एक आईफोन भी, दो आईफोन इसमें खरीदे गए थे, वो बरामद कर लिए गए हैं, और उसके बाद कुछ ज्वेलरी हुई। तो इस तरह कुछ हमारी 11 से 12 लाख रुपये की इसमें रिकवरी हुई। सर, क्या कुछ पुराना इतिहासिक लोग आए जो बड़ी चोरी करने? जी नहीं, इसमें जैसे मैंने आपको बताया, दो बाल अपचारी थे, उनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। लेकिन हाँ, जब उनसे पूछताछ की गई है तो बताया गया है कि वो नशे के लती हैं, नशा करते हैं। इससे पहले एक बाल अपचारी को नशा मुक्ति केंद्र में उसके घर द्वारा भेजा गया था, वहाँ से भी वो छूट के आ गया था। और जो इसमें दो हमारे बालक अभियुक्त हैं, भूपेंद्र और संजू, इन दोनों का आपराधिक इतिहास देखा गया, कोई आपराधिक इतिहास का है नहीं। सर, टीम के लिए कुछ? जी हाँ, जो इसमें रिकवरी हुई है हमारी और इतना क्विक एक्शन हुआ है, 48 आवर्स में सफल अनावरण हुआ है, इसके लिए SSP सहारनपुर सर को मैंने रिकमेंड किया है कि टीम को इसमें कोई पुरस्कार दिया जाए। ठीक। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।